महात्मा गांधी जी का लेख, शीर्षक है अपरिग्रह का धर्म। वाचक निर्मल मिश्र। कोई सत्य का साधक, प्रेम धर्म का उपासक कल के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रख सकता। ईश्वर अगले दिन के लिए कभी व्यवस्था नहीं करता। जितनी चीज की रोज जरूरत होती है उससे जरा भी ज्यादा वह पैदा नहीं करता। इसीलिए यदि हमें उसकी दया में विश्वास है तो हमें भरोसा रखना चाहिए कि वह हमें हमारी रोटी रोज देता रहेगा। रोज के लिए जितना चाहिए उतना रोज पैदा करने के ईश्वरीय नियम को हम जानते नहीं हैं, या जानते हुए भी पालते नहीं हैं। इसीलिए दुनिया में विषमता और उससे उत्पन्न होने वाले तमाम दुख हम भोगते हैं। धनवानों के पास जिन चीजों की उन्हें जरूरत नहीं होती वह बेकार की सामग्री जमा हो जाती है, जिनकी उपेक्षा होती है और दुर्व्यय होता है। उधर लाखों लोग इन वस्तुओं के अभाव में भूख और ठंड से मर जाते हैं। अगर प्रत्येक के पास उतना ही हो जितनी उसकी आवश्यकता है तो किसी को अभाव नहीं रहेगा और सब संतोषपूर्वक रहेंगे। आज जो स्थिति है उसमें जितने असंतुष्ट गरीब हैं उतने ही अमीर भी हैं। गरीब आदमी लखपति होना चाहता है और लखपति करोड़पति बनना चाहता है। गरीबों को जब केवल पेट भर खाने को मिलता है तो वे अक्सर असंतुष्ट रहते हैं, परंतु इसे पाने का उन्हें स्पष्ट अधिकार है और समाज को यह देखना ही चाहिए कि उन्हें पेट भर खाना जरूर मिल जाए। अमीरों को इस मामले में पहल करनी पड़ेगी ताकि संतोष की भावना सब जगह फैल जाए। अगर वे अपनी संपत्ति सौम्य मर्यादा में ही रखने लगें तो भी गरीबों को आसानी से खाने को मिल जाए और गरीब तथा अमीर दोनों संतोष का पाठ सीखें। अपरिग्रह के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति के लिए मनुष्य के पास पक्षियों की तरह न कोई मकान होना चाहिए, न कपड़ा और न आगे के लिए खाद्य भंडार। अवश्य ही उसे अपनी रोज की रोटी की जरूरत होगी, परंतु उसका बंदोबस्त करना उसका नहीं ईश्वर का काम है। परंतु इस आदर्श को विरली ही आत्माएं सिद्ध कर सकती हैं। हम साधारण साधक तो इसे सतत दृष्टि में ही रख सकते हैं और उसके प्रकाश में अपनी संपत्ति की कड़ी जांच पड़ताल करके उसे रोज घटाने की कोशिश कर सकते हैं। सच्चे अर्थ में सभ्यता जरूरतें बढ़ाने में नहीं, उन्हें जानबूझकर और स्वेच्छापूर्वक घटाने में है। इससे सच्चा सुख और संतोष उत्पन्न होता है और सेवा की शक्ति बढ़ती है। मनुष्य अपनी जरूरतें दीर्घ प्रयत्न से कम कर सकता है और जरूरतें घटाने से सुख की, स्वस्थ शरीर और शांत मन की प्राप्ति होती है। शुद्ध सत्य की दृष्टि से शरीर भी आत्मा द्वारा अर्जित संपत्ति है। भोग की लालसा से हमने यह शरीर रूपी परिग्रह पैदा किया है और उसे कायम रखे हुए हैं। जब वह लालसा नहीं रहेगी तब इस शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहेगी और मनुष्य जन्म मरण के कुचक्र से छूट जाएगा। आत्मा सर्वव्यापी है, वह इस शरीर रूपी पिंजड़े में बंद रहना या बुराई करना और इस पिंजड़े के खातिर हत्या तक करना क्यों पसंद करेगी। इस प्रकार हम पूर्ण त्याग के आदर्श पर पहुंचकर जब तक शरीर है तब तक शरीर का सेवा के लिए उपयोग करना सीखते हैं। यहां तक कि रोटी के बजाय सेवा ही हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। तब हमारा खाना पीना सोना जागना सब सेवा के लिए ही होता है। इससे हमें वास्तविक सुख और समय पाकर सत्य का दर्शन प्राप्त होता है। हम सबको अपने अपरिग्रह का इस दृष्टि से विचार कर लेना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि अपरिग्रह ऐसा सिद्धांत है जो वस्तुओं और विचारों दोनों पर लागू हो सकता है। जो अपने मस्तिष्क को निरर्थक जानकारी से भरता है वह इस अमूल्य सिद्धांत का भंग करता है। जो विचार हमें ईश्वर से विमुख करते हैं या उसकी ओर प्रवृत्त नहीं करते वे ऐसी रुकावटें हैं जिन्हें हमें जल्दी ही दूर कर देना चाहिए। इस संबंध में हम ज्ञान की उस व्याख्या का विचार कर सकते हैं
जो गीता के 13वें अध्याय में दी गई है। वहां हमें बताया गया है कि अमानित तो आदि ज्ञान है और बाकी सब कुछ अज्ञान है। यदि वह सत्य है और इसमें संदेह नहीं कि सत्य है, तो जिसे हम आज ज्ञान समझ बैठे हैं वह अधिकतर निरा अज्ञान है और इसीलिए कोई लाभ पहुंचाने के बजाय हानि ही करता है। उससे मन इधर उधर भटकता है और अंत में खाली तक हो जाता है, असंतोष फैलता है और अनर्थ बढ़ता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई जड़ता का समर्थन नहीं है। हमारे जीवन का हर क्षण प्रवृत्तिमय होना चाहिए, परंतु वह प्रवृत्ति सात्विक और सत्योन्मुख हो। जिसने अपना जीवन सेवा के लिए अर्पण कर दिया है वह क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता, परंतु हमें सत्कर्म और दुष्कर्म में भेद करना सीखना चाहिए। सेवा की एकनिष्ठ भावना के साथ यह विवेक अपने आप आ जाता है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर उसे ईश्वर अर्पण कर दो और फिर जीवन जियो। इस प्रकार जीने का अधिकार त्याग से आता है। वह यह नहीं कहता, जब सब अपने अपने हिस्से का काम करेंगे तब मैं भी करूंगा। वह कहता है, दूसरों की चिंता न करो, अपना काम पहले करो और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। ईसा, मुहम्मद, बुद्ध, नानक, कबीर, चैतन्य, शंकर, दयानंद, रामकृष्ण सब ऐसे पुरुष थे जिनका हजारों आदमियों पर जबरदस्त प्रभाव था। उन्होंने उनके चरित्र का निर्माण किया। उनके होने से संसार समृद्ध हुआ है और वे सब ऐसे पुरुष थे जिन्होंने गरीबी को जानबूझकर अपनाया था। सुवर्ण नियम यह है कि जो चीज लाखों को नहीं मिल सकती उसे लेने से हम दृढ़ता पूर्वक इनकार कर दें। यह इनकार करने की शक्ति हम पर अचानक आकाश से नहीं उतर आएगी। पहली बात यह है कि ऐसी मनोवृत्ति पैदा की जाए जो उन वस्तुओं अथवा सुविधाओं को स्वीकार न करे जिनसे लाखों लोग वंचित हैं। और दूसरी तात्कालिक बात यह है कि हम अपने जीवन को जल्दी से जल्दी उस मनोवृत्ति के सांचे में ढालें। अगर हम आज की चिंता कर लेंगे तो कल की चिंता भगवान कर लेगा। महात्मा गांधी जी का लेख अपरिग्रह का धर्म, वाचक निर्मल मिश्र।